डिडौली कोतवाली पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। जनपद अमरोहा की डिडौली कोतवाली पुलिस ने 15,000 रुपए के इनामी बदमाश आरिफ को मुखबिर से मिली सूचना के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से चोरी की बाइक व तमंचा बरामद हुआ है। पकड़े गए आरोपी ने डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गाँव सलारपुर माफी में गल्ला व्यापारी के बेटे की हत्या में शामिल दूसरा आरोपी था। जेवाई चौकी प्रभारी सुनील मलिक ने चेकिंग के दौरान खैया माफी के पास से आरिफ को गिरफ्तार किया है, जिसको आज मीडिया के सामने पेश करके अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह ने इसका आपराधिक इतिहास बताया है। ये आरोपी घटनाओं को सोच समझकर अंजाम दिया करते थे तथा शातिर किस्म के अपराधी भी हैं। आज जो ये बरामद हुआ है डिडौली कोतवाली पुलिस ने पकड़ा क्या है? डिडौली थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, इसके पास से तमंचा और काकुस मिला है। ये 15,000 का इनामी बदमाश था। इसने मार्च महीने में एक महिला की जो कि विवाहिता थी उसके पति से हत्या करने की सुपारी ली थी। इसके अलावा इसने डिडौली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को गला दबा कर मार दिया था, उसके 22,000 रुपये लूट लिए थे। इसके इन दो मुकदमों में वांछित था, इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। क्या नाम है सर इसका? क्या इस पर कोई इनाम भी है? हाँ, इस पर 15,000 का इनाम था। और इसका नाम क्या था? आपराधिक इतिहास क्या है? इसका नाम आरिफ है। इसका आपराधिक इतिहास में 11 मुकदमे हैं जो कि संभल, नोएडा तथा अमरोहा में।